आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। पिकाचू वाला कार्टून तो आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि कई लोग इसे बचपन में देखे हैं तो कई लोग अब भी पिकाचू का जो कार्टून सीरीज है उसे देखते हैं, जिसमें पिकाचू पिका 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 कहते हुए नजर आता है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो एक कार्टून कैरेक्टर है, तो हम आपको बता दें कि ये सिर्फ कार्टून कैरेक्टर नहीं है, बल्कि असलियत में भी पिकाचू नाम का जो ये जीव है ये सच में चाइना के तिब्बती एरिया में पाया जाता है। आपने सही सुना, ये चाइना में स्थित तिब्बत के पठारों में पाया जाता है। ये जो जीव होता है वो चूहे से थोड़ा बड़ा और खरगोश से थोड़ा छोटा होता है, और ये बहुत ऊंचाई पर रहता है। ऐसे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और अपने आप को अपना ज़िंदगी बचाने के लिए, इसे सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ती है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब और थोड़ी सी अटपटी चीज़ है जिसे ये खाते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तो ऐसे में आइए थोड़ा पिकाचू के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो उन्हें इतनी ठंड में सर्वाइव करने में मदद करता है। दरअसल ये जो छोटे पिकाचू है, इन्हें असली भाषा में, वहाँ के जो नॉर्मल भाषा है इसमें, इन्हें प्लेटू पिका कहते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये जो प्लेटू पिका है वो तिब्बत में पाए जाते हैं, जहाँ पर सर्दियों में पारा -30°C चलता है। ऐसे में इन्हें खाना ढूंढने में बड़ी ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से आसपास की घरी जो जितनी भी हरी घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, सब सूख जाते हैं, और हर जगह जो होता है सिर्फ बर्फ और बर्फ ही देखने के लिए नजर आती है। ऐसे में इनको जिंदा रहने के लिए कुछ गर्म खाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इन्हें सर्वाइव करने के लिए, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ ऐसा खाने की जरूरत पड़ेगी जिससे वो अपने शरीर को गर्म भी रख सके और इस इतनी ज्यादा ठंड को जो है उससे अपनी जान की भी रक्षा कर सके। ऐसे में ये लोग याक, जिसे एक अलग भाषा में सुरगाय भी कहते हैं, उसका मल खाना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो छोटे पिकाचू है ये जिंदा रहने के लिए याक का मल खाते हैं, क्योंकि उसके मल में जरूरी पोषक तत्व होते हैं। साथ ही उनका मल जो होता है बहुत लाइट होता है, जो कि इन्हें पचाने में भी सुविधा होती है, और इन्हें ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है। ऐसे में ये लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, जहाँ भी इन्हें याक का मल मिलता है वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ जाकर ये याक का मल का सेवन करते हैं और अपने आप को इस भीषण ठंड में सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी जान को बचा कर रख सकते हैं। इसी के साथ आपको ये बता दें कि एक वैज्ञानिक ने बताया कि कई खरगोश और साथ ही ये जो पिकाचू होते हैं, यानी ये जो प्लेटू पिका होते हैं, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए कभी कभी अपना ही मल यानी अपनी ही पोटी भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो कि इन्हें पचाने में भी सुविधा होती है, और साथ ही इन्हें जल्दी मिल भी जाता है, और इसके साथ ही इनके शरीर को गर्म रख पाता है, जिसकी वजह से ये जितनी भी ज्यादा सर्दी हो उसे सर्वाइव कर पाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मल खाने की जो विधि है ये बहुत कम जीवों में देखी जाती है, क्योंकि ज्यादातर जीव जो होते हैं वो अपना मल खुद ही नहीं खाते हैं। लेकिन ये जो प्लेटू पिका है और इसके साथ ही जो खरगोश खरगोश की जाति होती है, वो जिंदा रहने के लिए अपना मल तक खा लेती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पिकाचू होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो पिका होते हैं, ये छोटे स्तनधारी जीव होते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका और एशिया में पाए जाते हैं। ये जो ज्यादातर समुद्र तट से 16,400 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं, ऐसे में यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। आपको बता दें कि ना ये हाइबरनेट करते हैं और ना ये ठंडे के वक्त में ये किसी गर्म सुरक्षित जगह पर जाते हैं। ऐसे में ये कई दशकों से एक रहस्यमय बात बना हुआ था कि आखिर इतनी ठंड में ये सर्वाइव करते कैसे हैं, क्योंकि इतनी ठंड में बाकी जीव जो है वो वहाँ से मूव कर जाते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी मिले, थोड़ी राहत मिले, लेकिन इतनी ठंड में बर्फ में ढके होने के बावजूद ये कैसे इतने दिनों तक जिंदा रह पाते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य था जिसे अब सुलझा लिया गया है। और ये पता चल गया है कि ये अपने आप को गर्म रखने के लिए याक का मल खाते हैं, और साथ ही जरूरत पड़ने पर अपना मल का भी सेवन कर लेते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए करीब 13 साल तक इन पिकाचूस पर नजर रखा गया, तापमान नापे गए, सेंसर्स लगाए गए, जितनी चीजें हो सकती थी सारी चीजें की गई, और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये लोग इतनी ठंड में सर्वाइव कैसे करते हैं, जिसके बाद जाकर इसका खुलासा हो गया
कि ये लोग याक का मल खा कर अपने आप को जीवित रखते हैं। साथ ही ये भी पता चला कि ये लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर गिराने में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। तो ये मेनली अपने बॉडी का टेम्परेचर गिरा लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं और याक का मल खा कर अपने शरीर को गर्म करते हैं और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हैं, जिसकी वजह से इतने दिनों तक जीवित रह पाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब रिसर्चर जो है अब ये रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे जैसे याक जो होता है, याक को इंसान पालते हैं, उसके बाद याक में खुद भी उनके मल में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऐसे में इनका सेवन जो है ये छोटे पिकाचू करते हैं, तो ऐसे में फ्यूचर में इन्हें किसी बीमारी का खतरा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अलग एक प्रोसीजर है जिसमें मल में बहुत सारे बैक्टीरिया पाते हैं जो फ्यूचर में इनको हार्म भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इससे कोई बीमारी तो नहीं होगी। इन सारी जानकारी के लिए अभी जो है इस पर रिसर्च की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप भी पिकाचू को देखना चाहते हैं या इस पिका से मुलाकात करने चाहते हैं, तो आप ऐसे जगह पर जरूर जाएं जहां पर याक की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि ये याक के मल के थ्रू ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा एक पॉसिबिलिटीज़ है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा याक मिलेंगे आपको, वहाँ पर ऐसे पिका भी आपको मिले जाएंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं इन पिका से मिलने के लिए, इन पिकाचू से मिलने के लिए, तो आप ज़रूर एक ऐसा एरिया ढूंढिए जहाँ पर आपको याक की संख्या ज़्यादा मिले, तो फिर आपकी मुलाकात इस पिकाचू से हो सकती है। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।